तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? फिर स्वागत करते हैं अपने ए टू जेड फौजी ब्लॉक में दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, एसएससी एमटीएस की हवलदार की भर्ती दोस्तों, जिसका डेट आज से शुरू हो जाएगा, 14 जून से शुरू हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट डेट इसका 14 जुलाई तक ये अप्लाई होगा दोस्तों। यही इसका पेमेंट की बात करते हैं तो 16 जून को आपका पेमेंट डेट है दोस्तों। यही देखिए, इसमें उम्र की बात कर लेते हैं तो उम्र देखिए 18 साल से लेकर 25 साल तक आपका उम्र रखा गया है। और इसमें योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास एमटीएस नॉन टेक्निकल के लिए और हवलदार के लिए 10वीं पास से सिर्फ क्वालिफिकेशन रखा गया है। फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये का फीस रखा है। एससी एसटी के लिए बात करते हैं तो उसमें और ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 0 रुपये का फीस इसमें रखा गया है दोस्तों। इसमें देखिए एमटीएस जो टेक्निकल है दोस्तों, उसका अलग सीटें हैं और हवलदार का अलग है, सीट मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। देखिए इसमें फिजिकल का होने वाला है, इसमें आपको सिर्फ पैदल चाल चलना है और साइकिल चलाना है। बात करते हैं किसमें क्या है महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। तो इसमें दोस्तों पुरुष के लिए पैदल चलना है दोस्तों 1600 मीटर आपको 25 मिनट में, सॉरी दोस्तों 1600 मीटर आपको 15 मिनट में पैदल चलना है, और महिलाओं की बात करते हैं तो उनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में पैदल चलना है। वही बात करते हैं साइकिल चलाने के लिए तो देखिए 8 किलोमीटर पुरुष को साइकिल चलाने हैं, जो आधे घंटे का समय दिया जाएगा यानी 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यही महिलाओं को बात करें तो 3 किलोमीटर साइकिल चलाना है, उनको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। इसको भरने के लिए आप सभी को हाइट क्या चाहिए तो देखिए, अगर पुरुष है तो आपको 157.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट 86 से लेके 81 सेंटीमीटर। महिला का हाइट का बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर महिला का हाइट होना चाहिए दोस्तों। इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस इजी है, फिजिकल बस यही है दोस्तों, आपका पैदल चल और साइकिल चलाना है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, तो अक्टूबर से लेकर नवंबर में आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड पेपर होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर अगर आप पास क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आज से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है दोस्तों, तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक।